लाइट रूम एसेंशियल में जो चैप्टर हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं व्यू योर इमेजेस इन आ लाइब्रेरी मॉड्यूल, उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो दो इमेजेस को कंपेयर करना है इन आ कंपेयर विद अ कंपेयर मोड। जिस तरह हमने प्रीवियस जितने भी हमारे पास जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा कि हमने किस तरह डिफरेंट इमेजेस को डिफरेंट मोड्स में देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सर्वे मोड में देखा कि एट द सेम टाइम हम दो या दो से ज़्यादा इमेजेस को मल्टीपल इमेजेस को किस तरह एक साथ देख सकते हैं। उसके अलावा हमने लाइट आउट व्यू और फुल स्क्रीन व्यू देखा। इसी तरह आज जो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें हम कंपेयर करेंगे दो इमेजेस को विद आ कंपेयर मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। जब हम दो पिक्चर्स को कंपेयर करने के लिए आते हैं और उसमें से कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट करने जाते हैं कुछ डिफरेंट पिक्चर्स में से, तो सबसे जो बेस्ट टूल है वो हमारे पास कंपेयर टूल है। सबसे पहले हमें अपने इमेजेस को सॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उनकी तरतीब चेक करनी पड़ेगी। हमारे पास टूल बार के अंदर डिफरेंट सॉर्टिंग ऑप्शंस हैं और डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्हें सॉर्ट किया होगा। अब मैं दो इमेजेस सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने कंपेयर करने हैं। मैं इन्हें सर्वे मोड में ओपन करता हूँ, फुल स्क्रीन मोड पे सॉरी ओपन करता हूँ। अब इन दो पिक्चर्स के दरमियान बैक और फोर व्यू है, इन दोनों में से कौन सा इमेज मैं सेलेक्ट करूं, मैं इसमें कंफ्यूज हूं। तो इस सिलसिले में मैं फिल्म स्ट्रिप को बिगर करने के लिए इसको मैक्सिमाइज करता हूं। यहां पे मुझे एट द सेम टाइम दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अब इन दोनों विंडोज़ को मैं सेलेक्ट दोनों भी इमेजेस को क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया और इनको मैं कंपेयर मोड पे लेकर आऊँगा, जिसके लिए सी का बटन प्रेस करूँगा तो वो दोनों कंपेयर मोड पे आ जाएंगे और उसे मैं ड्रैग डाउन करके उसे मिनिमाइज कर दूँगा। अब इन पिक्चर्स को मैं साइड दो मेरे पास दो फुल स्क्रीन व्यू में आ गई हैं और इन दोनों पिक्चर्स को मैं एट द सेम टाइम साइड बाय साइड दोनों को एट दी सेम पोजीशन में देख सकता हूँ। और दोनों पिक्चर्स जो है हमारे पास दोनों की एक्सप्रेशन लाइटली डिफरेंट है। जो हमारी लेफ्ट साइड की फोटोग्राफ है वो काफ़ी बेटर है राइट फोटोग्राफ से। मैं ये लॉक का जो बटन है ये इसको क्लिक करता हूँ तो ये जोन सी वाली पिक्चर को मैंने लॉक करना है उसको मैं लॉक कर सकता हूँ और जिसको मैंने अनलॉक करना है उसको मैं अनलॉक कर सकता हूँ। इसके थ्रू मैं एट द सेम टाइम दो इमेजेस को कंपेयर कर सकता हूँ। जूम आउट पर्सपेक्टिव में मैं दोनों इमेजेस में से जिनको मैंने जूम इन किया था उन्हें जूम आउट कर रहा हूँ। अब मैं फ्लैग पे क्लिक करता हूँ और रैंकिंग प्रोवाइड करता हूँ, रैंक इशू करता हूँ या इसकी रेटिंग रेटिंग स्टार्स को हाईलाइट करता हूँ इस पिक्चर को रेट करने के लिए, और दोबारा सी की प्रेस करता हूँ और उसके बाद मेरे पास डिफरेंट व्यूज़ ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इसमें ग्रिड और ये फुल स्क्रीन व्यू ऑप्शन है।